उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत राजनीतिक गलियारों में हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। इसके अलावा कार्यकर्ताओं को पार्टी देने के मामले में भी हरीश रावत अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। प्रदेश में अब चुनावी सरगर्मियां थमने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपने पुराने अंजाम में नजर आए और कार्यकर्ताओं के लिए कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में नींबू पार्टी आयोजित की। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि इस पार्टी का मकसद तमाम सारे कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को एक साथ एक मंच पर एकत्रित करना था, साथ ही इस तरह के आयोजन से पहाड़ी उत्पादों को बढ़ावा मिलता है। हरीश रावत ने कहा कि हम उत्तराखंड के एजेंडे को भूले नहीं हैं और उत्तराखंड में ये उत्पाद हमारी आर्थिकी को मजबूत करने में काफी सहयोगी है। पूर्व सीएम रावत की इस नींबू पार्टी में काफी संख्या में पार्टी के विधायक, प्रत्याशी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं प्रदेश में सरकार बनने के बाद प्रदेश की जनता को 500 में गैस सिलेंडर मुहैया कराने पर भी हरीश रावत ने साफ किया है। हरीश रावत ने कहा कि इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से बातचीत की जाएगी और केंद्र की एक आपत्ति जरूर हो सकती है कि टैक्स पेयर को इसमें राहत ना दी जाए। सभी परिवारों को यूनिवर्सल वो है और हम उसके रूल्स फ्रेम करेंगे। यदि केंद्र सरकार की तरफ से मैक्सिमम कोई बात उड़ सकती है तो एक उड़ सकती है कि टैक्स पेयर को, क्योंकि देश के अंदर कहीं भी टैक्स पेयर को ये कंसेशन नहीं दिए जा रहे हैं, तो हम देखेंगे जिस समय ये बात आएगी। लेकिन मैं एक बात विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ कि 90% से ज़्यादा लोग जो है हमारी टैक्स गैस टैक्स सब्सिडी के दायरे में आए।